जब मारवाड़ में सूखा अकाल पड़ा तो वहां की भूमि बंजर हो चुकी थी। उस क्षेत्र की वीरता को देखकर शायद इंद्रदेव भी रुष्ट हो चुके थे। पंचायत ने सभी पशुओं को मालवा क्षेत्र में ले जाने का फैसला किया। गाय व अन्य जानवरों की रक्षा हेतु दो राजपूत सिरदारों को नियुक्त किया गया, जिसके लिए बल्लू सिंह जी और उम्मेद सिंह जी को चुना गया, जो चाचा भतीजे थे। अजमेर में बैठे सुल्तान को जब इस बात की भनक लगी तो उसने गाय की कुर्बानी की बात की। पर रतनगढ़ के उन राजपूतों का नाम सुनकर सुल्तान के सिपाहियों की हवाइयां उड़ चुकी थी। तभी संदेशवाहक भागा भागा आया और उसने कहा कि गायों की रक्षा हेतु सिर्फ दो ही राजपूतों को नियुक्त किया गया है। तभी नाजिम खान की सेना ने बल्लू सिंह जी और उमेद सिंह जी को घेर लिया, जिस पर दोनों राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण कर अलग अलग दिशाओं में अपने घोड़े दौड़ाते हुए अरिदल को काटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो माँ भवानी स्वयं उनकी तलवारों में प्रकट होकर शत्रुओं का रक्त पान कर रही हो। गोमाता की रक्षा करते हुए उमेद सिंह जी घायल होने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए और बल्लू सिंह जी का सर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा और भागते हुए सुल्तान को मारकर गायों की रक्षा की। उस दिन इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर मारवाड़ में घनघोर वर्षा करने लगे। ऐसे अमर राजपूत बलिदानियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय क्षत्रिय धर्म, जय जय भवानी।